ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इसी प्रकार से जैसे चलने में अगर किसी ने चप्पल की थोड़ी आवाज़ चली या चप्पल घिसट के चले तो सिंधी में मम्मा बुलाती, इधर आओ इधर आओ, जी मम्मा ये खितिर खितिर करके क्या चल रही हो। खितिर खितिर मानव कहते ना, फटफट करके चल रही, चप्पल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मम्मा कहती थी कि देवताओं की चाल नहीं है ये, चप्पल को उठाए तुम चप्पल फटफट करो नहीं, ऐसे पांव रखो जो पता भी ना चले कोई चल रहा है। इस धरती को दुख नहीं देना है, मम्मा कहती थी, तुम्हारी चाल से धरती को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो चाल भी मम्मा ने सिखाया कि चप्पल को कैसे उठाना है, कैसे पैर रखना है। तो वो समय दिन में चट्टी होती थी जिसको चाकड़ी कहते यज्ञ में, और वो पट्टे वाली होती थी लकड़ी की, कलकत्ता से आती थी। तो वो चट्टी पहनना मम्मा ने सिखाया कि इसको पहन के भी चट चट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पांव दबा के कैसे चलना होता है वो मम्मा ने सिखा दिया चलना। तो मम्मा भी और बाबा पूरे यज्ञ में चट्टी ही पहनी जाती थी, जब कहीं बाहर निकलना है तभी चप्पल पहनते थे, चाहे किचन में जाना है कहीं जाना, पूरे लान में भी सब जगह चट्टी पहन के चलते थे, लकड़ी की होती थी। तो इस तरह से मम्मा और बाबा सभी परिवार वाले पहनते थे। तो चट्टी पहन करके आवाज़ ना आए, जिसको खड़ाऊँ भी लोग कहते हैं, तो इतनी शांति से चलना वो मम्मा ने सिखाया।